गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। होप आप सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो यार डेली यूएई अपडेट्स की वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली हम इस चैनल पे आपको यूएई के रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती हैं वो अपडेट करते रहते हैं। तो आज के दिन की क्या थी पूरी अपडेट जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं वीडियो को पूरा देख के अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यार बात करेंगे जो आज के दिन की सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट थी यूएई की फ़्लाइट्स यानी इंडिया टू यूएई की फ़्लाइट्स के बारे में। इतिहाद एयरवेज की तरफ से ये कहा गया है कि जो फ़्लाइटों का सस्पेंशन है उसको बढ़ाया जा रहा है और जीसीसी की तरफ से कोई कन्फर्मेशन नहीं आ रही है, ये भी उन्होंने साथ ही मेंशन किया। और उसमें जो जो कंट्री है उसके बारे में बताएंगे आपको। हालांकि मैंने इस पर एक वीडियो डेडिकेटेड वीडियो फुली डिटेल्स के साथ वीडियो मैंने दोपहर में डाल रखा है। अगर आप लोगों को डिटेल में जानना है तो आप उस वीडियो पे भी विजिट कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी आप लोगों को अपडेट करना, क्योंकि जो लोग मॉर्निंग में देखेंगे उनको भी ये चीज़ पता होनी चाहिए। और इसमें ये बताया गया कि इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश की जो फ़्लाइटें हैं उनको एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, जो सस्पेंशन था उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 31 जुलाई तक। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपको नज़र आ रहा होगा। और इसमें यही चीज़ कही गई है कि यार जीसीसी की तरफ से अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं है, जब तक कन्फर्मेशन नहीं हो जा रही तब तक ये भी डेट कोई कन्फर्म नहीं है, यानी कि 31 जुलाई भी कोई कन्फर्मेशन की डेट नहीं कि इस डेट को जो है फ़्लाइट ओपन हो ही जानी है। अच्छा, अब जैसे ही उन्होंने ये चीज़ कही कि कोई कन्फर्मेशन नहीं है प्लस 31 तक इन्होंने सस्पेंशन को एक्सटेंड किया है, तो मेरे पास काफ़ी लोग इस चीज़ के लिए SMS कर रहे हैं कि अच्छा अब तो क्या हम वाया आ सकते हैं। देखिए, वाया आप कहीं से भी किसी भी देश में अगर ट्रांजिट वीज़ा लेके आ रहे हो वाया आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास पैसा है तो आप वाया आ सकते हो, अगर आपके पास पैसा है तो आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ कंफर्म कर दें कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि सऊदी की जो है, हालांकि मैं सऊदी की वीडियो नहीं बनाता लेकिन एक आपको एग्जांपल दूंगा, आप जो लोग इंडिया से मालदीप वाया सऊदी जाना चाह रहे थे उनको वहाँ से वापस कर दिया गया, उसका रीज़न व्हाटएवर कुछ भी होटल बुकिंग या व्हाटएवर कुछ भी हो, लेकिन वहाँ से उनको वापस किया गया है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आप लोग इंडिया टू वाया किसी कंट्री से जाना चाहते हो तो सबसे पहली बात ये कि एडवांस में आपको पैसा वहाँ पे देना होगा, उसके बाद में फिर आप वहाँ पे स्टे करेंगे, कोई कन्फर्मेशन नहीं कि यार पैसा कितना लग जाए। तो अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है या पैसा है या फिर आपको आना ज़रूरी है, आपका वाकई में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो आप वाया का चांस ले सकते हो। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप लोग चार्टर फ्लाइट भी जैसे कि सारे लोग अप्रूवल लेके आ रहे हैं वैसे भी आप आ सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो नॉर्मल फ़्लाइटें हैं 31 तक सस्पेंड हैं उसको इतिहाद ने बताया है। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो डाला है, तो उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। एक आपको स्क्रीनशॉट साइज में नज़र आओगे जिसमें क्वारंटीन्स के लिए जो है निर्देश दिए गए हैं, उसमें मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा, जिसमें कि आबूधाबी में अगर आप किसी भी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के साथ संपर्क में आते हो तो आप फ्री वॉल्क इन PCR टेस्ट करा सकते हो, या सुविधा जहाँ पर उपलब्ध है उसका स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। जियाद पोर्ट सेंटर, उसके बाद में है अलैन सेंटर, ये जगह सेहा हॉस्पिटल। ठीक है, इन जगहों पर आप फ्री वॉल्क इन PCR आप करवा सकते हो। ठीक है, ये पहली चीज़, ये तो बेनिफिट की बात होगी। दूसरी चीज़, वैक्सीन ले लिया है तो क्या करेंगे। अगर आपने वैक्सीन ले लिया है तो आपको 7 दिन तक के लिए क्वारंटीन में रहना होगा, 6वें दिन आपका PCR टेस्ट किया जाएगा, 7वें दिन आपको जो बैंड मिलता है ना वॉच का वो हटा दिया जाएगा। अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो आपको 12 दिन का क्वारंटीन होगा, 11वें दिन आपका जो है PCR का टेस्ट होगा और 12वें दिन आपका जो है जो वॉच होती है उसमें हटा दिया जाएगा। ये दोनों चीज़ें होगी जिन्होंने वैक्सीन ली है या फिर नहीं ली है, ये दोनों लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और अब जान लेते हैं लास्ट में यूएई की COVID-19 को लेकर, जैसे कि आज 17th है, आज की डेट का क्या अपडेट्स रहा पूरे दिन के कोरोना के बारे में, तो इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको एक चार्ट नज़र आ रहा होगा जिसमें कि केसेस जो रेड कलर में दिया हुआ है 1565 केसेस, रिकवरी केसेस 1508 और डेथ इसमें 4 के नोट की गई हैं। उसके बाद में टोटल केसेस 6,59,449 केसेस और टोटल केसेस 6,37,267 और जो डेथ का रेशियो है वो 1,896 टोटल जो डेथ है, जो इंतकाल जो है वो हुआ है। एक्टिव केसेस अभी 20,286 एक्टिव केसेस चल रहे हैं। ठीक है, तो यार ये कोविड की बात हो गई। और बारिश में, जैसा कि मैंने कल की डेट में एक अपडेट डाली थी, बारिश के आसार यूएई में नज़र आ रहे हैं। जो लोग ड्राइव कर रहे हैं वो सेफली ड्राइव करें। ठीक है, और जो लोग मेरे से एक और क्वेश्चन इसमें मैं आपको कवर करना चाहूँगा शॉर्ट में, आप चाहेंगे उसमें डिटेल में वीडियो बना दूंगा। जो लोग ये पूछते हैं कि अगर जैसे कि फ़्लाइट एक्सटेंड हो गई, मेरे पास क्वेश्चन है फ़्लाइट एक्सटेंड हो गई है तो अब जिनका वीज़ा ख़त्म हो रहा था अब वो क्या करें। देखिए, अभी तक वीज़ा ख़त्म होने के लिए उस पर यूएई गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है, वीज़ा आपका कैंसिल भी है नहीं भी है दोनों चीज़ें हैं।
लास्ट ईयर उन्होंने एक्सटेंशन दिया था, टाइम दिया था, बढ़ा दिया था, लास्ट दिसंबर तक कर दिया था, लेकिन इस बार क्या होगा वो पहले फ्लाइट ओपन होगी उसके बाद ही वो लोग कोई कन्फर्मेशन करेंगे। हालांकि पिछली बार उन्होंने कह दिया था लेकिन इस बार ऐसा अभी तक कुछ नहीं कहा है। तो आई होप कि जल्दी अगर ये कोई अपडेट आती है तो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई दिस वीडियो।